वेलकम बैक। अभी हम NAS पेपर थर्ड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक दिया गया था, क्या दिया था, हाँ क्वेश्चन नंबर 69 है। यहाँ पे दिया है प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना है। तो सबसे पहले तो माध्य क्या होता है, माध्य होता है जो भी संख्याएं रहती हैं उनका योग बटे जितनी नंबर, मतलब जितनी संख्याएं हों, ठीक है ना। यदि 5 संख्याएं तो 5 संख्याओं का योग बटे 5 हो जाता। तो यहाँ पे प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना है। तो मैंने पूरे जो 20 प्राकृत संख्याएं हैं विषम वो लिख लिया हूँ मैं, है ना। इसका दूसरा तरीका भी है, इस तरीके से लगाना हो तो लगा सकते हैं, क्योंकि 20 थी तो मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रथम पद हो जाएगा इसका 1, डी हो जाएगा 3-1 5, और जो लास्ट पद है वो हो जाएगा 39। तो इस तरह से हम जो 20 पदों का योग वो निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या रहता है, n/2 यहाँ पे रहता है a+l, ठीक है ना। तो यहाँ पे n का मान कितना है, n का मान हमारे पास 20 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20/2, और a का मान 1 है, और l का मान कितना दिया है, ये 39, ओके। तो ये हो जाएगा 10, और ये 10, ये हो जाएगा 40, ये 40 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 400। अभी हमने क्या निकाला है प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग निकाला है। अब माध्य क्या हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा जो योग निकाले हैं, और कितनी संख्याएं हैं, 20 हैं, तो काट देंगे तो कितना जाएगा, 20 आ जाएगा। मतलब इसका माध्य कितना निकलेगा, 20। मतलब ऑप्शन कौन सा होना चाहिए इसका, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके।